हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज एक दोस्त ने हमने शादी की ट्रीट के लिए हमें बुलाया है, तो आज हम जा रहे हैं बोर्ड बेसन। ये देखें, दोस्त के साथ उसके घर से गार्ड सलूट मार रहा है कि भाई साहब जा रहे हैं खाने पे। तो जर्नी स्टार्ट होती है हमारी, यही अपना डिफेंस साइड, DHA रेजिडेंस वाली साइड से हम निकल रहे हैं, और बोर्ड बेसन जाने का प्लान है। और ऑलमोस्ट 8:30 हो गए, 9 बजे का उसने टाइम दिया था, हम तकरीबन उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। तो अभी डिफेंस एग्ज़िट करेंगे और बोर्ड बेसन जाएंगे। बोर्ड बेसन, जिन लोगों को नहीं पता, कराची की एक फेमस फूड स्ट्रीट में से एक है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फूड स्ट्रीट्स हैं, लेकिन बोर्ड बेसन का नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ फूड आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं खाने को। फास्ट फूड भी अवेलेबल है सारे। ये लेफ़्ट साइड पर सऊदी कॉन्सुलेट है कराची का, वहाँ से जा रहे हैं। और इन्होंने अभी दीवारें और ऊंची कर दी हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। आपको पता होगा कि सिक्योरिटी के क्या हालात चल रहे हैं। बाकी ये व्लॉग है संडे का, और थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं इसके लिए थोड़े माजरत, क्योंकि काफ़ी बिज़ी हो गए थे और कंपाइल करने का टाइम नहीं मिला। ये रहा ब्रिज, और अभी इतना रश नहीं है, लगे वीकेंड है, संडे का दिन है, इतना रश नहीं है, और विंटर है तो मज़ा आ रहा है। लॉन्ग रूट पे जाना, ड्राइव करने में मज़ा ही बहुत आता है। और ये देखें, ये हमारा दोस्त है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये अब हम आपको साथ साथ और भी दिखाते जाते हैं कि क्या क्या रास्ते आ रहे हैं बीच में। और ये देखें, गाना भी इसने चलाया हुआ है। और हम हैं इस वक्त टोयोटा करोला ग्रैंडी में, और हम ये सारे पास कर रहे हैं मॉल्स वगैरह जहाँ पे शॉपिंग के होते हैं, और हम जा रहे हैं अभी। ये ऑलमोस्ट, ये देखें, जान्स नज़र आ रहा है, इसका ब्रोस्ट बहुत मशहूर है। तो हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं बोर्ड बेसन वाली साइड पे, लेकिन हमने थोड़ा आगे जाना है। काफ़ी बड़ी ये फूड स्ट्रीट है, वहाँ पीछे से शुरू हुई हुई है और ये आगे तक जाएगी, और आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, OPTP का भी है यहाँ पे, OPTP भी है, और ये फ्लेमिंगो, इसकी चाट मशहूर है, ये भी है, और ये रोल इन भी है, रोल्स भी मिल जाते हैं इधर। दोसानी स्टूडियोज़ भी है, ये फ़ोटो भी खिंचवानी हो तो यहाँ पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं। ये सबवे आ गया, सबवे भी अवेलेबल है, बैंक्स भी हैं, ATM भी है। और ये देखें, अभी आगे और भी फूड के ऑप्शंस आएंगे आपके पास। ये काफ़ी बड़ी सी जगह है, काफ़ी बड़ी फूड स्ट्रीट है ये कराची की। ये देखिए, KFC भी है यहाँ पे अवेलेबल। तो बहुत फूड की वैरायटी है, हर तरह का फूड मिल जाता है आपको ज़्यादातर। हाँ, हमें उसने बुलाया है देसी खाने के लिए, तो वो अभी डिसाइड नहीं किया, वहाँ जाके डिसाइड करेगा वो कि कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। और ये देखें, यहाँ पे ये जॉकी का भी है, जॉकी भी है और भी है, और यहाँ पे अभी रोड सही नहीं बना। पार्किंग तो मिल जाती है, लेकिन ये रोड अभी सही नहीं है, रोड टूटा हुआ है। ये देखिए, बलोच सज्जी एंड कोयला कढ़ाई, ये बलोच रेस्टोरेंट के पास हमने पार्क की है, क्योंकि वो अभी पहुंचा नहीं है और 8:45 हो चुके हैं। ये देखिए, दो तीन लोग आ गए कि भैया आगे कर लो, आगे कर लो, ताकि इनको पैसे दे सकें टिकट के। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का ये बन रहा है हमारा बारबेक्यू। अच्छा, हमारा नहीं बन रहा, ये आपको वैसे ही दिखा रहे हैं कि जाते जाते हमने कहा ये देख लें, ये डेरा है और हम यहाँ पे डेरा जमाएंगे और यहीं बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों ने सब डिसाइड कर लिया कि यहीं आपने खाना है मटन कढ़ाई, तो हम डेरा पे ही बैठ गए और यहीं पे खाना आना खाएंगे और मस्त मज़ा करेंगे डेरा पे। ये इन्होंने पैक करके भी रखे हुए हैं, फुल रैप करके।
ताकि मक्खियाँ ना बैठे। पहले होता था मक्खियाँ बैठ जाती थी, अब इन्होंने थोड़ा और हाइजीन का ख्याल कर लिया। कि ये देखें, इनको रैप करके रखा हुआ है मसाला लगा के, बस इसको भूनने की देर है, भूनेंगे और फिर ला के देंगे हमें। ये रहा डेरा का मेन्यू, और ये देखिए मेन्यू आपको दिखाते हैं, मेन्यू और उसकी प्राइसिंग। ये देखिए, निहारी भी है, पाया भी है, चाइनीज़ भी है, चिकन भी है, चाउमिन भी है, बारबेक्यू भी है, ये फ्राइज़ वगैरह सब, बहुत वैरायटी इनके पास, बारबेक्यू वगैरह सारी चीज़ें। ये देखिए हांडी, डिज़र्ट, बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए हम सब दोस्त वोस्त बैठे हुए हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना कब आएगा। ये पहला आ गया है हमारा पराठा, ये आलू पराठा विद चीज़ फिलिंग मंगाया है। आलू पराठा विद चीज़ फिलिंग आ चुका है हमारे पास, बहुत ही ज़बरदस्त, लजीज और उम्दा। ये रहा हमारा आलू पराठा विद चीज़ फिलिंग, ये रहा, और साथ चटनी भी है इनकी। और ये रहा दूसरा, तंदूरी नान विद चीज़, विद स्टफ चीज़, तो ये चीज़ फिल्ड पराठे भी आ गए हैं, ये भी खाएंगे मज़े से। और ठंड में गरम गरम चीज़ मिल जाए तो कितना ज़बरदस्त मज़ा आता है। ये देखें, इसके अंदर भी चीज़ है, और ये सब खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं शदीद ठंड में, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े ले ले के सब खा रहे हैं। ये रही चटनी, और ये रहा सैलेड, ये रहा सैलेड, और ये ओ थोड़ा गिर गया। अरे यार ये थोड़ा सा गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस डाल देंगे। और ये आ गया हमारा मेन मेन, जो मटन कढ़ाई, मटन की कढ़ाई खाने लगे हैं अभी हम। मटन ज़बरदस्त किस्म का मटन आ चुका है, और ये अभी हम इसको दिखाएंगे। ये देखिए मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई हमने मंगाई है, और इसको वापस रखा। और ये अब नान आना शुरू हो गए हैं, रोगनी नान, तंदूरी नान, गार्लिक नान, और ये देखें कितने सारे नान और ज़बरदस्त किस्म के नान आए जा रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त। ओ ये देखें, ये अफ़गानी रोटी होती है जो बहुत बड़ी होती है साइज़ की, ये देखें साथ चपाती भी है, और ये बड़े साइज़ के रोटी भी है, इसको डबल रोटी है, अफ़गानी रोटी भी बोलते हैं, बड़ी वाली फुल लंबी। और ये हमने कुछ बारबेक्यू भी मंगाया, और ये सारी चीज़ें अब हम सेट करके मज़े ले के डाल के खाएंगे। इसको अभी हमने कर लिया है, इसको हमने अभी ये इसका ढक्कन हटा दिया, और अभी हम इसको खाएंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का लग रहा है, और फुल गर्म ठंड है, और बाहर बैठे हुए हवा भी थोड़ी थोड़ी ठंडी चल रही है। कराची का मौसम भी आपको पता है रात को थोड़ा अच्छा हो जाता है डिफेंस क्लिफ्टन वाली साइड पे। तो अभी हम इसको डालेंगे और प्लेट में, और फिर खाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ से डाल लेते हैं, ताकि दूसरे आइटम भी के लिए भी जगह बच गया है, और अच्छे से हमें और भी बाकी आइटम भी चखने का मौका मिले। तो ये देखें, ये थोड़ा चख लिया है हमने, यहाँ से चख लिया है हमने, और ये डाल दिया है। और ये देखें थोड़ा सा डाल दिया, और अब बाकी दोस्त भी डाल रहे हैं। और ये देखें, ये सब डाल रहे हैं अपनी थोड़ी थोड़ी प्लेट में, और हमने पहले ही कहा था कि ज़ाया नहीं करना, जितना मर्ज़ी खाना खाओ लेकिन ज़ाया नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर ज़ाया बहुत कर देते हैं, तो हम लोग कहते हैं भाई ज़ाया नहीं करो, बाद में और मंगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। ये देखें, ये अब दूसरे दोस्त भी डाल रहे हैं, और अब खाना स्टार्ट कर दिया है
मुझे भी बहुत भूख लग रही है, आप लोगों को भी। ये देखे चटनियाँ डाल के, रायता डाल के, कितना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और ये हमने फोड़ दिया है खाना, और अभी भी रोटियाँ काफ़ी सारी बच गई हैं जो हमने कहा पैक करा लेंगे, बाकी खाना सब फोड़ दिया, खाना सब ख़त्म हो चुका है, चटनी वटनी सब ख़त्म, रायता प्याज सलाद सब ख़त्म हो गया। हाँ थोड़े से अनियंस बच गए, यानी प्याज बच गए, बाकी जो खा लिया। और ये देखिए एंड हमने किया है चाय पे, चाय पियेंगे क्योंकि ठंड ज़्यादा है, और खाना भी खाया है तो थोड़ा ज़रा चाय पी के बॉडी गर्म हो जाएगी। और अब हम निकल पड़े हैं वापसी के रास्ते पे। ये देखें ये बोर्ड बेसनिया निहारी इन वाली साइड आ गई, अभी हम हेड कर रहे हैं टूवर्ड्स वापस घर घर। और घर घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं सब दोस्त, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और मंडे आपको पता है ऑफिस का दिन होता है, ऑफिस में सबने जाना होता है, किसी की जॉब होती है, किसी का अब्बा के बिजनेस में कोई होता है, तो सब अपने अपने कामों के लिए संडे को उठ गए हैं कि ज़्यादा भी लेट ना कर लें। ऑलमोस्ट आई थिंक 12 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, 12 बजने के करीब है, लेकिन आपको पता है कि भाई सबने ऑफिस जाना है मंडे को। तो हमने कहा कि चलो एक पार्टी दोस्त ने दी है अपनी शादी की, वो तो बनती थी, और वो लेके अभी हम घर घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने हमारा ये व्लॉग ज़रूर इंजॉय किया होगा, और आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो इसी तरह के और व्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी हम चढ़ चुके हैं, ये नीचे गिजरी है, कौसर मेडिकल्स बड़ा मशहूर मेडिकल है, इधर हर दवाई मिल जाती है, लेकिन अब आपको पता है कि डॉलर ही नहीं मुल्क में, तो कुछ इम्पोर्ट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी दवाइयाँ शॉर्ट हुई हुई हैं। और ये देखें क्लियर रोड और गाड़ी, सर्दियाँ और मज़े का खाना खाया हो तो मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कह रहा था कि आप हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके इस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्रमोट कीजिए, और आप देखते रहिए हमारा चैनल। ट्रैवल ब्लॉग्स के अलावा और भी चीज़ें हमारे चैनल पे हम डालते रहते हैं, वो भी देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा कराची की लाइफ। और वैसे तो हमने पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों को भी एक्सप्लोर किया, और वहाँ भी ब्लॉग बनाए हुए हैं, तो वो सारे शहरों के भी आपको मिल जाएंगे। ये देखे तीन तीन लोग बैठे हुए बाइक पे सर्दी में, और ये वापस आपने देखा वही रोड आ गया जो सऊदी कॉन्सुलेट वाली साइड का था, जहाँ से हम टर्न लेके इधर गए थे बोर्ड बेसन। अब हम वही टर्न लेके लेफ्ट साइड पे हम वापस अपने घर वाली साइड पे चले जाएंगे, और यहाँ पे ही हम अपना व्लॉग करेंगे एंड। देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों, टिल देन बाय।